करमचंद के पास सुपर गन है, हम उसे नहीं हरा सकते भाई, सबसे पहले खुद की जान बचाते हैं। ये लो तूफानी धमाका। ओए ओए, तुम लोग मुझे जादुई पत्थर खोजने से अब नहीं रोक सकते। मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्यों इस महीने एक भी टूरिस्ट नहीं आया यहाँ पे? आखिर हो क्या रहा है? ओए लाखा, हमारी मदद करो। क्या कर रहे हो? बोलो क्या हुआ तुम लोगों के साथ? सुनो, मुझे सचमुच तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे समझाने दो। अब शायद तुम्हारे पास कोई आइडिया हो कि हम करमचंद को कैसे हराएंगे। मुझे नहीं पता। अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है। ओए मैं जानता हूँ, मैं और डब्लू तुम्हारे काम में मदद करेंगे। इस महीने एक भी टूरिस्ट नहीं आया, क्या मदद करोगे तुम लोग? तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। लगता है ऐसी बात नहीं है। हम बहुत सारे पर्यटकों को लेके आएंगे, पर इसके बदले में तुम्हें करमचंद से निपटने में मदद करनी होगी। अंदर आओ। ठीक है, ये मेरा खास पिटारा है। एक कार्ड हमला, हमें इससे कुछ बेहतर सोचना होगा। समझ गया क्या करना है। ओए, ओए लड़का, थोड़ा रुको। कल रात मैंने ताकतवर हथियार बनाए थे, सही कहा ना डब्लू? ओए डब्लू कहाँ गया? डब्लू अभी तो हमारे साथ ही था वो। मदद करो, ये तो डब्लू की आवाज है। कोई मुझे बचाओ, ये तुम्हारे लिए सही है। ओए डब्लू, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। कहाँ गया वो? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बाहर आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वादा करता हूँ। वहाँ है। ओए क्या हुआ था? करमचंद तुम्हारे पीछे क्यों आया? भाई देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, तो बात ये थी कि जब मैं तुम लोगों के साथ चल रहा था तो मैंने एक सुंदर सी तितली देखी। जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो अद्भुत, मुझे और एक जादुई पत्थर मिला। मैंने सोचा कि करमचंद के बारे में तुम्हें बताने आऊं, लेकिन तुम लोग आगे निकल चुके थे तो मैंने सोचा खुद ही से निपट लेता हूँ, और मैंने उसे सबक सिखा दिया। ये चिपचिपा सामान क्या है? ए, तुम फिर से वापस आओ, वापस आओ। ये मेरा गुप्त हथियार है। मैंने संतरे में डिटर्जेंट, शैम्पू और बॉडी वॉश डाला, तो जब मैंने इसे करमचंद पर फेंका तो ये जाकर उस पर चिपक गया। मुझे मेरा जादुई पत्थर वापस दो, वापस आओ। ओए करमचंद को हराने के लिए अपने संतरे का इस्तेमाल कर। मुझे दो हमला। ये तो वही चिपचिपा गोंद है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ध्वनि तरंग धमाका। उसे बंदूक चलाने से रोकना होगा। तुम्हें मैं अपना हथियार दिखाता हूँ। ये कमाल का है, देखो ये शहद के गोले हैं। मैं इन्हें बंदूक में भरूंगा और करमचंद के ऊपर हमला करूंगा। ये क्या है? तुम लोगों को लगता है ये मजाक है? मास्टर चलो इनसे जादुई पत्थर ले ले। पीछे जाओ, मेरे पास भी मत आना, मैं तुम्हें जादुई पत्थर नहीं लेने दूंगा। मिस्टर बिल्ला जाओ लेकर आओ। हाँ मास्टर। नहीं, क्या है?
वो प्लेन कहाँ से आया? वो मेरा रिमोट से चलने वाला प्लेन है और उसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। मेरी आंखें, तुम तीनों ने, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? देखा तुमने, हथियार सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास भी है। मेरे हमले के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नीचे झुको। जल्दी छुप जाओ। ये किस प्रकार का खिलौना है? लगता है ये काम नहीं करता है। मैंने कर दिखाया। लाखा, तूने तो कमाल कर दिया। देखा तुम दोनों ने, मेरा प्लेन कितना कमाल का है। लखा बहुत स्मार्ट है और बहुत हैंडसम है। केक का एक टुकड़ा। मेरा प्लेन। इस हालत में तो मैं इसे कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। कोशिश अच्छी थी, मुझे ये मानना होगा कि तुम लोगों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। नहीं, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ध्वनि तरंग धमाका। मुझे तो चक्कर आ रहा है भाई। जादुई पत्थर। मास्टर, मुझे लगता है प्लेन चालू हो गया। पीछे चलो। तुम्हारा जहाज तो पागल है, उसे ठीक करो। मुझे नहीं पता इसे कैसे ठीक करेंगे। जैसे ही हलचल होती है वो हमला करने लगता है। ओ भगवान, आखिर ये सब यहाँ हुआ कैसे? ये तो राजा लल्लू और बाबू हैं। नहीं, फिर से नहीं। ये काबू से बाहर हो गए। ओए जल्दी बाहर निकलते हैं। तुम ही कुछ करो, ये तुम्हारा प्लेन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके रास्ते से हट जाते हैं। मैं समझ गया, हमें बस छुपना होगा और फिर ये हमें पकड़ नहीं सकता। लखा का ये बेवकूफ विमान मुझे हरा नहीं सकता। मेरे रोबोट को निकालने का वक्त आ गया है अब। ओए, मैं यहाँ हूँ। लखा, और तेज चलाओ, वो बिल्कुल हमारे पीछे ही है। आखिर हो क्या रहा है? तुम लोग कुछ ज्यादा ही भारी हो। ओए, इसे मैं चलाता हूँ। लखा, लल्लू को बोलो तैयार रहे, प्लेन पहुंचने वाला है। हाँ। लल्लू, तैयार हो जाओ। ये चलो देखते हैं ये उड़ सकता है कि नहीं। हो मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे जादुई पत्थर नहीं मिल जाते। वो प्लेन के पीछे है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। करमचंद प्लेन के पीछे क्यों गया? सब ठीक है बबलू, उसको अभी भी लगता है कि जादुई पत्थर उस प्लेन पे है। बस अब मिल ही गया। मास्टर, हम इसका 3 घंटे से पीछा कर रहे हैं। रहो, मैं हार नहीं मानूंगा। मजा आ गया, हमें एक और पत्थर मिला।